सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इंटरव्यू से पहले क्या लेकर गई थी। मैं सब समझती हूँ, मैं अपना दिमाग लेकर गई थी। कंगना रनौत की भीख में मिली आजादी वाले बयान पर कॉमिक आर्टिस्ट सलोनी गौर का वीडियो हुआ वायरल, मचा हंगामा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के ऊना में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल कंगना ने देश की आजादी को लेकर विवादित बयान दिया था। उनके इस बयान पर काफी घमासान मचा हुआ है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनेत्री को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि 1947 में आजादी नहीं बल्कि भीख मिली थी, असली आजादी तो 2014 में मिली थी। उनके इस बयान ने उन्हें विवादों में घेर दिया। कंगना के इस बयान से सोशल मीडिया पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनका पद्म पुरस्कार वापस ले लिया जाना चाहिए। अब कॉमेडियन सलोनी गौर ने कंगना रनौत के बयान पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी है। कॉमेडियन सलोनी गौर ने कंगना रनौत के बयान पर चुटकी लेते हुए एक बार फिर एक मजाहिया वीडियो जारी किया है, जिसने इंटरनेट पर बवाल मचा दिया है। कॉमेडियन सलोनी गौर उर्फ कंगना रनआउट ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए वीडियो पर कंगना रनौत को घेरते हुए उन्हीं के अंदाज में कहती है, मुझसे लोग पूछ रहे हैं मैं इंटरव्यू से पहले क्या लेकर गई थी। मैं सब समझती हूँ, मैं अपना दिमाग लेकर गई थी। सब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं इंटरव्यू से पहले क्या लेकर गई थी। मैं सब समझती हूँ, मैं अपना दिमाग लेकर गई थी। वायरल वीडियो में सलोनी गौर कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर चुटकी लेते हुए कहती है, अगर मैं अभी स्टैंड अप वीडियो डाल दूं तो सब बोलेंगे ओ दीदी तो कॉमेडी कर रही है, क्या ये है आजादी। लेकिन अगर मैं अभी अपनी स्टैंड अप वीडियो डाल दूं तो उस पर सब बोलेंगे कि ओ दीदी कॉमेडी कर रही है, क्या ये है आजादी। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी, आजादी तो नहीं मिली थी, क्या गलत बोल दिया मैंने, आजादी तो हमें अभी भी नहीं मिली है। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली थी, आजादी तो नहीं मिली थी, क्या गलत बोल दिया मैंने, आजादी तो हमें अभी भी नहीं मिली है। कॉमेडियन सलोनी गौर ने वायरल वीडियो में यही नहीं रुकती। सलोनी मोदी सरकार के आने के बाद रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी पर भी निशाना साधा और कंगना रनौत के अंदाज में कहा, पहले हमें 8 बजे के बाद ना हमें मम्मी सोने देती थी ना डैड, सब बोलते थे काम पर जाइए, लेकिन 2014 के बाद किसी के पास कोई काम ही नहीं है, सब लोग आराम से सो पा रहे हैं, ये है आजादी। पहले हमें 8 बजे के बाद ना हमारे घर पे मम्मी सोने देती थी ना मेड, सब बोलते थे काम पर जाइए, लेकिन 2014 के बाद से किसी के पास कोई काम ही नहीं है, सब लोग आराम से सो पा रहे हैं, ये है आजादी। कॉमेडियन सलोनी गौर ने अपने बेहतरीन टैलेंट का बेहतरीन प्रमाण देते हुए मोदी सरकार के पेट्रोल डीजल के दामों पर भी कटाक्ष कर डाला और प्रो बीजेपी एक्ट्रेस कंगना रनौत की मिमिक्री करते हुए कहा, लड़कियां पहले सुरक्षित नहीं थी लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों की वजह से कोई घूमना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है, इसलिए लड़कियां अब आराम से घूम रही हैं। लड़कियां सड़क पर सुरक्षित नहीं थी, अब जब से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं कोई बाहर जाना अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा और लड़कियां आराम से घूम रही हैं। इतना कुछ होने के बाद भी लोग चाह रहे हैं कि मेरा पद्मश्री वापस ले लिया जाए, लेकर दिखाए वापस, फिर मैं भी रो दूंगी, और मेरा नॉर्मल बोलना लोगों को पसंद नहीं आता है तो मेरा रोना ही इमेजिन कर ले। इस सब के बाद लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो मुझसे मेरा पद्मश्री वापस ले ले, लेकर दिखाइए वापस, फिर मैं भी रो दूंगी। कॉमिक आर्टिस्ट सलोनी गौर द्वारा की गई कंगना की मिमिक्री लोगों को काफी पसंद आ रही है और लोग तरह तरह के रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने सलोनी के वीडियो पर रिएक्शन देते हुए लिखा, जब कंगना रनौत ये बयान दे रही थी तभी मुझे यकीन हो गया था कि सलोनी का वीडियो आने वाला है। एक अन्य यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, कंगना का हर बेतुका बयान सलोनी के लिए बेहतरीन कंटेंट है। एक अन्य यूजर ने वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, माई सेल्फ पद्मश्री कंगना रनौत कभी पुराना नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी हर वायरल खबर आप तक पहुंचती रहे।